नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लॉकडाउन 3 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी के लिए लॉकडाउन 3 में किसी तरह की छूट नहीं होगी। जैसे लॉकडाउन के पहले चरण में घर में रहना था, कहीं बाहर नहीं निकलना था, उसी तरह से तीसरे चरण में भी आपको घर में रहना है और पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करना है। तीसरे चरण में पूरे राज्य में रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, कोई भी ग्रीन जोन बिहार में नहीं है। डीजीपी ने कहा कि रेड जोन में कोई एक्टिविटी नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों की छूट दी गई है। बिहार के डीजीपी ने और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। बहुत लोगों को बहुत तरह का भ्रम है, लोगों के एकदम एक तरह की अफवाह भी है कि लॉकडाउन 3 में बहुत सी छूटें हैं। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए लॉकडाउन 3 में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जैसे लॉकडाउन के पहले चरण में आपको घर में रहना था, कहीं बाहर नहीं निकलना था, उसी तरह से तीसरे चरण में भी आपको घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन के नियम का पालन करना है। तीसरे चरण में पूरे राज्य को रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, कोई भी ग्रीन जोन बिहार में नहीं है। रेड जोन में कोई एक्टिविटी नहीं, पहले बताया गया। कंटेनमेंट एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं, पहले ही बता दिया गया है। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों की छूट दी गई है, जिसका विस्तार से प्रचार प्रसार हुआ है, अखबारों में भी निकला है। वहाँ कुछ जिला प्रशासन जो तय करेगा, वो कुछ ज़रूरी दुकानें खुल सकती हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी अलाउड रहेगी, मनरेगा, जल जीवन हरियाली, नल, बहुत सारी सरकारी योजनाएं शुरू होंगी। लेकिन फिर रिपीट करता हूँ कि आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। प्राइवेट जो ऑफिसेस हैं उसमें 30% लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है। इसका मतलब रोड पर गाड़ी देखकर या मोटरसाइकिल देखकर आम आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि अब तीसरे चरण में हमको भी जाने की आज़ादी है। कोई मंदिर नहीं खुलेगा, कोई मस्जिद नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई सामूहिक पूजा पाठ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई मॉल नहीं खुलेगा, जिम्नेजियम नहीं खुलेगा, कोई इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलेगा, बाहर कहीं टहलने की आज़ादी नहीं है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तो किसी भी आदमी को किसी भी परिस्थिति में घूमने की आज़ादी नहीं है। एक जिले से दूसरे जिले में बिना वैध सरकारी पास के कोई भी आदमी नहीं आ जा सकता है। तो पहले चरण की तरह ही ये भी तीसरा चरण है आम आदमी के लिए। कुछ सरकारी कर्मचारियों, कुछ पदाधिकारियों, कुछ लोगों के लिए कुछ जरूरी छूटें दी गई हैं, वो उनको पता है। लेकिन आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ, यो उनको ये नहीं समझना चाहिए किसी प्रकार की कोई छूट है। अभी का संकट सबसे बड़ा संकट है। हमारे 10 लाख से ऊपर मजदूर भाई बहन और हमारे बेटा बेटी स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ किससे छू गए होंगे, कहाँ से किसको संक्रमण हो गया होगा। वो बेचारे बहुत ही निराश हैं, हताश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा से, बहुत कष्ट का समय काट करके बिहार आ रहे हैं। बिहार में हम लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ जो SOP बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उस नियम का पालन करके बिहार को बचाने में सहयोग करें। सीमा पर जहाँ चलेंगे वहाँ स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद यहाँ बॉर्डर पर पहुँचेंगे, सीमा पर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा, वहाँ उनकी जांच होगी, क्वारंटाइन किया जाएगा। उस समय सीमा पूरा करके ही सुरक्षित अपने घर में जाएं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, गाँव सुरक्षित रहे, मोहल्ला सुरक्षित रहे, शहर सुरक्षित रहे। बिना क्वारंटाइन हुए कहीं कोई जाएगा नहीं। इस तरह से प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, मेडिकल स्टाफ का सहयोग करें, किसी से कहीं उलझे नहीं, किसी से कोई झंझट न करें। हम लोग आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तय किया है कि हम अपने जितने भी हमारे रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं, मेरा कल से ये दौरा शुरू होगा, मैं सारे रेड जोन में जाऊंगा, वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करूंगा, अपने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाऊंगा,
बड़े कठिन समय में हमारे लोग डटे हुए हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाना भी जरूरी है, वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करना भी जरूरी है। तो मैं रेड जोन में कल से प्रवेश कर जाऊंगा। मैंने सारे एसपी लोगों को आदेश दे दिया है, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं और 55-56 से आयु अधिक हो गई है, स्वस्थ नहीं है, ऐसे लोगों को एक्टिव एक्सपोजर की जगह पर न लगाएं, उनसे कोई बहुत ही साधारण कम कठिन ड्यूटी ऑफिस में कार्यालय में जहां जरूरत हो वहां उनसे काम लिया। जब जीआरपी ट्रेनें बंद थी तो जीआरपी पुलिस को हम लोग अलग काम में लगाए थे विधि व्यवस्था संधारण में। जब स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं तो जहां जितनी जरूरत है जीआरपी के बल को वापस वहां लगाया जा रहा है।